अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वीवर्स, आज की वीडियो आप लोगों के लिए एक हाईली प्रॉफिटेबल वीडियो होने जा रही है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं एक मरतबा फिर सर फार्मा को डिस्कस करने जा रहा हूँ। सर पे इससे पहले मैं वीडियोस बना चुका हूँ और आपको हमेशा मैंने रिकमेंड किया है सर, और सर फार्मा को रिकमेंड करने की वजह यह है कि सर इस वक्त अपनी फेयर वैल्यू से काफ़ी कम कीमत में मिल रहा है शेयर, और अंडर वैल्यूड स्टॉक है। और जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इसको डिस्कस करने की वजह यह है कि हमारी जो मार्केट है वो बुलिश जोन में दाखिल हो चुकी है, और मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था कि आने वाले दिनों में मार्केट 70,000 का साइकोलॉजिकल बैरियर क्रॉस कर लेगी आने वाले दिनों में। जब 70,000 से ऊपर मार्केट चले जाएगी तो फिर मार्केट रुकने वाली नहीं है और मज़ीद रैली बनाएगी। तो इस सूरत में उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा जो लोग अंडर वैल्यूड स्टॉक या फिर ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो सर फार्मा एक ब्लू चिप कंपनी होने के साथ साथ एक अंडर वैल्यूड कंपनी है इस वक्त, क्योंकि मार्केट की पिछली क्राइसिस की वजह से ये स्टॉक जो है वो बहुत नीचे लेवल पर ट्रेड हो रहा है और अपनी फेयर वैल्यू से आधी से भी कम कीमत में मिल रहा है। तो हमेशा जो बुलिश मार्केट होती है वो उन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा देती है जो अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे जो लोग, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छे स्टॉक्स में है जो डिविडेंड देते हैं और ब्लू चिप कंपनीज हैं, तो आपको ये मार्केट के साथ साथ तेज़ी से ऊपर जाते हुए नज़र आएंगे ये शेयर्स। और मैं बात करूँ सेल फार्मा की, तो सेल फार्मा तेज़ी से मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करने वाला शेयर है और मार्केट के साथ साथ ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा सकता है। तो सेल फार्मा को आज मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा कि जो लोग इसमें फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं या जिन लोगों के पास है उनको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, और आने वाले दिनों में ये स्टॉक क्या फ़ायदा दे सकता है आपको। आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आप लोगों के लिए। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। सल फार्मा फार्मा सेक्टर की तेज़ी से ग्रो करने वाली कंपनी है और पाकिस्तान में इसका जो रैंक है वो 3rd नंबर पर है, और पाकिस्तान में बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज काम कर रही हैं फार्मास्यूटिकल, लेकिन सर फार्मा की जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं और पाकिस्तान में इनकी जो मार्केट है वो दूसरी कोई कंपनी नहीं ले सकती। तो सर फार्मा पाकिस्तान में एक बहुत स्टेबल कंपनी है, और मैं समझता हूँ कि अपने बिजनेस को ये जिस तेज़ी से एक्सपेंड कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी मल्टीनेशनल कंपनी है सर फार्मा। और सर फार्मा आने वाले दिनों में बहुत अच्छा परफॉर्म करने जा रहा है शेयर, क्योंकि मार्केट के साथ साथ ये ऊपर जाएगा। तो करंट प्राइस की मैं बात करूं तो 53 रुपीस पर ये शेयर ट्रेड हो रहा है इस वक्त, और बाइंग रेंज इसकी जो है वो 50 से 53, इसकी बेहतरीन बाइंग रेंज बन रही है। अगर जिनके पास है इस लेवल पर तो वो इसको होल्ड रखें, आने वाले दिनों में ये अच्छी मूव देगा, और मैं समझता हूँ कि ये शॉर्ट टर्म में आपको 10 से 12 रुपए का गेन दे सकता है, क्योंकि ये 60 अगर ये सस्टेन कर जाता है तो 65 का लेवल ये बहुत इजीली क्रॉस कर लेगा। तो शॉर्ट टर्म में 10 से 12 रुपए का गेन आपको मिल सकता है। टारगेट वाइज इसकी 60 to 65 हो सकती है, जो अगर जो लोग प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं तो वो 60 या 60 से ऊपर इसको सेल कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में अगर मैं बात करूँ तो सर एक लॉन्ग टर्म रखने के लिए एक बेहतरीन शेयर है, क्योंकि कंपनी हर साल बोनस शेयर बाकायदगी से देती है। तो सेल फार्मा की अगर मैं बात करूं तो लॉन्ग टर्म में ये आपकी इन्वेस्टमेंट को डबल कर सकता है, और इसकी जो इंट्रेंसिक वैल्यू बनती है वो ऑलमोस्ट 120 इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू है, और लॉन्ग टर्म में इसकी जो प्राइस है वो 100 to 120 हो सकती है, क्योंकि जो स्टॉक अपनी इंट्रेंसिक वैल्यू से कम कीमत में होता है तो फ्यूचर में वो अपनी वैल्यू पर ज़रूर आता है। और जो लोग अगर अंडर वैल्यूड स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपको इसका रिटर्न जो है वो फ्यूचर में गारंटेड बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। तो सर फार्मा रिकमेंडेड शेयर है, आने वाले दिनों में अच्छी मूव देगा सर। तो जो लोग शॉर्ट टर्म में अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से, तो सर में इन्वेस्ट करके आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो व्यूअर्स, आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए एक वैल्यू एडिशन साबित हुई होगी। मेरे वीडियो बनाने का हमेशा से मकसद यही होता है कि आप लोग स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा कमाएं और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।